नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे कच्चा केला दिखने में जितना अच्छा होता है उतना ही खाने में भी। दोस्तों जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कच्चे केले के बारे में। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल सब्जी और स्नैक्स के लिए किया जाता है। दोस्तों, केला कच्चा हो या पका सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसमें मौजूद बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ ही कोलेस्ट्रॉल और वजन कम करने में भी मददगार होते हैं। दोस्तों जी हां दोस्तों, केला स्टार्च का अच्छा स्रोत होता है। रेजिस्टेंट स्टार्च एक अलग प्रकार का स्टार्च होता है दोस्तों, जो शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है। यह शरीर की कई प्रकार की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, कच्चे केले में इसकी काफ़ी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, रिसर्च में भी ये बात सामने आई है, भोजन में भी उचित मात्रा में रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा डायबिटीज, अपच और गैस और दिल की बीमारियों के साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित करती है। यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इसके साथ ही यह फूड को जरूरी एनर्जी में बदलता है, जो वजन कम करने में भी कारगर होता है। दोस्तों, इसके अदर बेनिफिट्स, दोस्तों विटामिन सी की उचित मात्रा, फाइबर की अच्छी मात्रा, पोटेशियम का खजाना, विटामिन B6, ये सारी चीज़ें कच्चे केले में पाई जाती हैं। कच्चे केले का भोजन में उपयोग कर शरीर के लिए जरूरी विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने में विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। दोस्तों, जो स्किन इन्फेक्शन से बचाने के साथ ही कई बीमारियों से भी लड़ने में सहायक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी, एनीमिया, मसूड़ों की समस्या और हार्ट से संबंधित कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। फाइबर की अच्छी मात्रा, जी हाँ दोस्तों, कच्चे केले में फाइबर की पर्याप्त मात्रा होती है। एक कप उबले कच्चे केले में 3.6 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मददगार है। इसके साथ ही ये डायबिटीज और दिल की बीमारियों की संभावनाओं को भी कम करता है। खाने में इसे शामिल करके जल्दी और आसानी से वजन कम किया जा सकता है। दोस्तों, शरीर को लगभग रोजाना 14% तक फाइबर मिले तो पेट से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं दूर रहती हैं। दोस्तों, केला खाने से पर्याप्त मात्रा में फाइबर की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, पोटेशियम की खजाना, जी हाँ दोस्तों, सभी हरी सब्जियाँ पोटेशियम का खजाना होती हैं। कच्चा केला भी उनमें से ही एक है। ज़्यादातर लोग अपनी डेली डाइट में पोटेशियम की उतनी मात्रा नहीं ले पाते जितनी शरीर को ज़रूरत होती है। दिन भर इसकी कमी को कुछ न कुछ खाकर भी पूरा कर पाना असंभव सा ही है। इसके लिए ज़रूरी है कि पोटेशियम की भरपूर मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए। दोस्तों, केला खाकर इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इसकी पर्याप्त मात्रा शरीर में फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को सही रखती है। दोस्तों, साथ ही मसल्स, नर्वस सिस्टम भी इससे सही ढंग से काम करते हैं। दोस्तों, विटामिन B6 का स्रोत, जी हाँ दोस्तों, विटामिन B6 की सबसे ज़्यादा मात्रा कच्चे केले में पाई जाती है। ये पानी में सबसे आसानी से घुल जाने वाला विटामिन है। दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार केमिकल्स के बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, मोटापे को कंट्रोल करने में भी कच्चा केला बहुत ही फायदेमंद होता है। हीमोग्लोबिन के बनने में भी सहायक होता है कच्चा केला, जिससे सेल्स, टिश्यूज और बाकी अंगों को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आज जो औषधि यानी कि कच्चे केले को लेकर के आए थे आप सभी के लिए, ये आप सभी के लिए बेहद लाभकारी साबित होता है। दोस्तों, तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।